जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रांच पे। साथियों, सीआईटीएस रिजल्ट 2022 जो कि 17 जुलाई को पेपर हुआ था, लड़के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। पहले 26 तारीख डेट दिया गया, फिर 29 तारीख का डेट कर दिया गया। जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे बैनर जो चला हुआ आ रहा है, शाम के बज रहे हैं, लगभग जो है 9 बज रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आज का दिन है 29 तारीख का, पब्लिशिंग डेट 29/7/2022 लिखा जा रहा है। नो अपडेट्स, कुछ भी अपडेट्स भी नहीं दिया गया है। उम्मीद थी कि शाम तक आ जाएगा, और जैसा कि बात भी किया था हमने एनएसटीआई जो है आपका चेन्नई में बात किए थे, साथ में नीमी के भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट किया था मैंने, और उन्होंने भी कहा था कि शाम तक जो है रिजल्ट, शाम तक का वेट कीजिए। कुछ बच्चे भी मैसेज किए थे और टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है लड़कों ने मैसेज वगैरह किया था। तो स्थिति इस तरह का कुछ बनी है कि रिजल्ट अब तक नहीं दिया गया, और कुछ सूचना भी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, विडंबना बहुत गंभीर है और कहना भी मुश्किल है कि रिजल्ट्स का अब कब आ सकता है। हालांकि अगर चीजों को देखा जाए तो आज दिया जाना था, नहीं दिया जा सका है। कल की उम्मीद ही कर सकते हैं, इस तरह कुछ नहीं, और कल मॉर्निंग टाइम में एटलीस्ट एक होप रख सकते हैं। देखिए, इस तरह का क्यों हुआ है सिचुएशन, कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा समझिए। तो जैसा कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जहां की आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे मोर देन 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ से जुड़ सकते हैं पल पल की अपडेट्स पाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ सीआईटीएस ग्रुप है, सीआईटीएस ऑल इंडिया ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो पीडीएफ भी डाल रखा है, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले ये हमारे पास जो है, देखिए जो है सीआईटीएस जो एग्जामिनेशन, जो कि आपके सीनियर वाले बैच हैं, 21 वाले सेशन के जो लड़के हैं, ठीक है, 21 सेशन जो है यहाँ पे, मतलब कि जो अभी पास आउट होने वाले हैं, उनका पेपर दरअसल जो है शेड्यूल किया गया था, जो कि डेट था देख लीजिए आप लोगों का, ये पुराना वाला मैं आपको दिखा दूं पहले। तो यहाँ पे देखिए 4 तारीख से शेड्यूल किए गए थे, ठीक है, 4 और 5 को जो है सीबीटी पेपर उनका होना था, जिसमें कि थ्योरी वगैरह सब एग्जाम होता, बट अटेंडेंस लो के कारण, बच्चों के अटेंडेंस बहुत ही कम थे। उस पर हर एक अपडेट्स आपको चैनल पे वीडियो मैंने दिए थे, तो इन वीडियोस में भी आप लोग चेकआउट वाला बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ आपको जानकारी ये होगी कि बच्चों के जो अटेंडेंस कम होने के कारण ये जो दो पेपर है सीबीटी वाले 4 और 5 को शिफ्ट कर दिया गया है अलग डेट में, और जो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का जो पेपर जो कि 6 तारीख से होने वाला था, उस 7 तारीख कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये पहले का जो कि 4 तारीख से शुरू होने वाला था, और यहाँ पे देखिए रिवाइज वाला मैं दिखा रहा हूँ, रिवाइज वाला देखिए 7 तारीख से कर दिया गया है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, और बाकी जो पेपर था आपका सीबीटी वाला, देखिए सीबीटी वाला 24 और 28 तारीख को कर दिया गया। पहले 13 तारीख को ही पेपर खत्म हो जा रहा था, देखिए 13 तारीख को पेपर एंड हो रहा था, बट नए वाले शेड्यूल में पेपर जो है 28 तारीख को खत्म हो रहा है। तो ये एक रीजन है कहीं ना कहीं कि आप लोगों के जो है ये चीजें जो है शिफ्ट की जा रही है आगे की ओर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, रिजल्ट प्रिपेयर्ड होने में वक्त ही नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, तो फटाक से जो है रिजल्ट आपका बन सकता है। सिर्फ मार्क्स तो दिखाना है, थोड़ी यहाँ पे कट ऑफ निकालना है कि इतने बच्चों को बुलाना है, इतने बच्चों को नहीं बुलाना है। उन्होंने जो है 33 मार्क्स जो है दे रखा है। अब काउंसलिंग से हिस्सा लेने के लिए 33 जिनका नंबर आया वो पार्टिसिपेट करेंगे, इतना ही तो बात है ना। बट यहाँ पे मैं बात करूं तो न्यू सेशन जो है उनका 16 तारीख से शुरू होना था, 16 अगस्त से न्यू बैचेज उनका शुरू होना था। बट अगर ये जब तक ये लड़के जो 21 सेशन के हैं, 21-22 सत्र के जो बच्चे हैं, अगर ये हॉस्टल खाली नहीं करते हैं, तो फिर ये जो 16 तारीख को कहाँ रखते हैं? 16 तारीख को जो क्लासेस अगर स्टार्ट किया जाता न्यू बैच, मतलब आप लोग का जो बैच है 22-23 सेशन, उनको रखा जाता तो कहाँ रखा जाता? जब तक ये बच्चे छोड़ते नहीं पुराने, मतलब कि जो आपके 21-22 के बच्चे हैं, तो 28 तारीख तक तो ये चीजें खाली होंगी, 28 तारीख तक को एग्जाम खत्म होगा इन बच्चों का, मतलब 21-22 सेशन का। उसके बाद फिर 2-4 दिन और छोड़ दीजिए, मतलब ये पूरा अगस्त जो है आप लोगों का सेशन अब क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्टिंग किया जा रहा है, और यही इसी का जो परिणाम है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक वाला भी डिले किया गया है। अब उम्मीद है कि कल अगर आता है रिजल्ट तो उसमें आप लोग का पूरा टेंटेटिव जो डेट्स हैं काउंसलिंग का, वो डेट्स भी आएगा, और हर चीज आप लोग का शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें कि फर्स्ट काउंसलिंग का डेट, सेकंड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, फिर आप लोग का कॉलेज रिपोर्टिंग, सब कुछ जो है आप लोगों का चेंज होता हुआ दिखेगा। और उम्मीद है कि जो 16 अगस्त से जो क्लास शुरू होने वाला था वो ना होकर के अब जो है सेप्टेम्बर में चले जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में भी चले जाए तो चले जाए,
ठीक है। तो ये अपडेट था, बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और दूसरी बात है कि उतना पैनिक नहीं होना है, और आज रिजल्ट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो आना ही है, ये तो तय है कि रिजल्ट आएगा, कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो रोज अननेसेसरी परेशान होकर कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, आप लोग से ज्यादा हम लोग को टेंशन है, क्योंकि आप लोग जो है हम लोग के सब्सक्राइबर हैं, और हम लोग का कर्तव्य बनता है कि आप तक अपडेट पहुंचाए, टाइम पे अपडेट पहुंचाए। तो आप लोग अगर दिन में 4 बार देखे होंगे तो हम लोग जाहिर सी बातें हैं, और दूसरी बात की हम लोग 10 बार तो जरूर सर्च किए होंगे। तो खैर चलिए, इतनी बातें जो है थी मैंने आपसे शेयर की है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कुछ रीजन्स भी दिए हैं, उन रीजन्स का भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स आप लोग का कल तक आ जाए, तो मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का।